गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 26 जुलाई 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय सत्रह, कहानी का नाम है अध्याय सत्रह का कल्लू जी का पाजामा। आप लोग सुनिएगा, ये कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है और आपको ये कहानी पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। बच्चों को तो व्यंग्यात्मक हंसी मजाक वाला कुछ भी कहानी हो तो उसमें बहुत आनंद आता है। तो आप लोग इस कहानी को सुनेंगे और आज आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज जो है पावन दिन है, बाबा भोलेनाथ का पावन दूसरा दिन है, सोमवारी है, प्रथम सोमवारी है। आप लोगों को मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ। तो आप लोग सुनिए कल्लू जी का पजामा। इस कहानी से बच्चों सबसे पहले आपको शब्दार्थ है ब्लैक बोर्ड से उतार लीजिए। ऐसे तो हम ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा है, आप जैसे किताब से उतार लीजिए, पेज नंबर 81 में है। सिक्का बैठना मने प्रभाव पड़ना, वक्त मने समय, अब्बा जान मने पिताजी। अब्बा कहते हैं मुसलमान लोग अपने पापा को, हम लोग पापा कहते हैं और मुसलमान भाई लोग अब्बा कहते हैं। सत्यानाश मने पूरी तरह नाश हो जाना, बर्बाद होना, भुलक्कर मने जिसको जिसे कोई बात भूल जाने की आदत हो, कोई भुलक्कर उसको कहते हैं। निश्चित मने विभीक, जोकर मतलब उन्हें हंसाने वाला व्यक्ति को जोकर कहा जाता है। तो इसका यह हास्य कथा की कहानी है बच्चों। हास्य कथा, हास्य मने हंसना। हास्य कथा की शिक्षा है कि दूसरों पर विश्वास भी करना चाहिए, दूसरों पर भी हम विश्वास कीजिए। एक ही काम कई लोगों को एक साथ बताने पर कभी कभी इसी प्रकार लोभ के लाभ के बजाय हानि भी हो जाती है। यह शिक्षा आप लोगों के लिए है कि हमें जो है दूसरों पर भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए। एक ही काम कई लोगों को एक साथ बताने पर कभी कभी इसी प्रकार लाभ के बजाय हानि हो जाती है। यह कहानी आप लोग सुनिए तब समझ में आ जाएगा। कहानी सुनिए कल्लू जी का पजामा। एक शहर में रहते थे कल्लू जी, कल्लू करिया। वे अपने को बड़ा ज्ञानी समझते थे, लोगों से बातें कहते तो उन्हें बार बार समझाते। उनका विश्वास था बच्चों कि बार बार कहने से ही बात का पूरा असर होता है। ये उन्हें लगता था एक आध बार कही हुई बात को तो लोग यूं ही टाल देते हैं। कल्लू जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने अपना पजामा सिलने के लिए कपड़ा दर्जी को दिया। समझते जाइए कहानी। दर्जी के दिमाग में कल्लू जी की लंबाई का सिक्का बैठा हुआ था, इसलिए उसने कल्लू जी का नाप लिए बिना पजामा सिला दिया। लेकिन अब की बार उसने जो नया पजामा मिला वह 4 अंगुल नीचे हो गया। पजामा सिलकर भी महीनों बाद दिया। कल्लू जी ने पजामा पहनकर देखा तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि इसे दर्जी को ठीक कराने को दें तो फिर महीनों लगा देगा, ये इतना काम तो घर पर भी कराया जा सकता है। कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बीवी से बोले, अपनी पत्नी से बोले, सुल्तान की अम्मी सुनती हो, दर्जी ने मेरा पजामा बहुत लंबा कर दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर दो। तभी कल्लू जी के दिमाग में आया कि उनकी बीवी तो 2 मिनट में ही बात को भूल जाती है। उन्हें बरामदे में बड़े बेटे को की बहू को कहा, बड़े बेटे की बहू दिखाई दी। बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी लगकर मेरा नया